हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह वीडियो पार्ट थर्ड है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यह वीडियो नोवल पर बेस्ड है, ना कि मांगा पर, जिससे मांगा की सभी पिक को यूज नहीं किया जा सकता है। मांगा में काफी डिटेल नहीं है। यदि आप चाहो तो आगे की स्टोरी मांगा से कवर कर सकता हूँ, लेकिन मांगा के अभी तक मात्र 28-29 एपिसोड ही आए हैं। वैसे तो नोवल भी ऑनगोइंग है, लेकिन फिर भी काफी लंबी है। आप सब क्या चाहते हो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फिर तांसन उस इंसान के पास जाता है जो अपने वेयरवुल्फ वाले रूप से वापस ह्यूमन रूप में आ जाता है। तांसन ने बैठते हुए उस व्यक्ति को पलटने की कोशिश करता है। वह अचानक पलटते हुए उस इंसान ने अपना पंच चला दिया होता है। तांसन भी स्पीड से कुछ दूर हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को कम लाइट में हल्का सा देख रहे होते हैं, जिससे उसके पंजे बीच हवा में ही रुक जाते हैं। उस इंसान की हालत खराब थी। नाक मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, साथ ही में पेट भी कटा हुआ होता है। वह इंसान खून की कमी के कारण ही मारा जाएगा। तभी तांसन ने उसके चेस्ट को दबाते हुए जुआन टियानगोंग से पावर देने लगता है। वह तांसन को देखते हुए तुरंत ही कहता है, तुम तो एक बच्चे हो। इस पर तांसन कहता है, तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब देना होगा। तांसन ने पहली बार देखा था कोई इंसान गुलाम नहीं है। तब तांसन उससे पूछता है, तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? तब वह इंसान कहता है, क्या तुम डिवाइन वोल्फ के बारे में नहीं जानते हो? तो तुमने उसे कैसे मारा? वह उल्टे ही तांसन से सवाल पूछने लगता है, कैसे मारा? इस पर तांसन कहता है, मैं अभी तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तब वह इंसान बताता है, द मॉन्स्टर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, वह एक पावर है जो हमें ह्यूमन और डीमोन के मिक्स ब्लड से मिली होती है। मतलब ब्लड रिलेटेड पावर है जो इन्हें विरासत में मिलती है, जो कि काफी रेयर है। लेकिन कोई इंसान इसी तरह से पावरफुल बन सकता है। और आगे बताता है, इस बार मैं विंड वुल्फ लॉर्ड को मारने गया था, लेकिन मेरा फैसला गलत था। उसने मुझे जोर से मारा और मैं गिर गया। इस पर तांसन कहता है, तो तुम्हारा डिवाइन डीमोन मिक्स ब्लड तुम्हारी फैमिली से आया है? तब वह इंसान कुछ दर्द में कहता है, हाँ, एक लेपर्ड ने मेरी माँ का अपमान किया था। और तांसन के पूछने पर वह इंसान तांसन को दूसरा तरीका भी बताने लगता है। इसके अलावा एक तरीका और है कि इसे कुछ समय के लिए किसी और को भी दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन यदि वह उसके लिए फिट नहीं होता है तो वह मारा जाएगा। इस पर तांसन पूछता है, कितनों की पावर को हम रख सकते हैं और क्या हम उनसे उस पावर को छीन सकते हैं? इस पर वह इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है। और मेरे ख्याल से तांसन के मन में किसी सोल बीस्ट को मारने के बाद उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने जैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। तांसन के फिर से पूछने पर वह अपना नाम जू जियांगसिन बताता है और उसका कोई भी नहीं है। साथ ही तांसन को दूसरों की हेल्प करने के लिए भी कहता है और इसके अलावा अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है और साथ ही में उसमें तांसन को शामिल होने के लिए भी कहता है और मरने से पहले अपनी पावर भी तांसन को देने की बात कहता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेडेम्पशन है, जो ह्यूमन को बचाते हैं। इसी के साथ कांपते हुए अपनी पावर तांसन को दे देता है और तांसन को बड़े होकर उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है और खुद की बॉडी को भी कलेक्ट करने से मना कर देता है, नहीं तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड होगी और तांसन मारा जाएगा। वह येलो बॉल नीचे गिर जाती है। तांसन ने भी बिना झिझक के वह बॉल उठाया, अपने हाथ पर रखते हुए मिस्टीरियस हेवन स्किल को ऑपरेट करना शुरू कर देता है, जिससे वह तांसन की बॉडी में एंटर करने लगती है। साथ ही अपने प्रोफाउंड हेवन आर्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद तांसन ने उस वुल्फ डीमोन की बॉडी पर अपना हाथ रखता है। मिस्टीरियस हेवनली आर्ट वर्क करने लगती है और एनर्जी को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करता है और उसी के साथ जुआन टियान पावर ने उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता है। और जब पावर तांसन की बॉडी में वापस आती है तो तांसन ने महसूस किया होता है एक ब्लू एनर्जी अलग से आ रही होती है, जो येलो डिवाइन डीमोन के चेंजेस की तुलना में इसका सियान कलर काफी फीका होता है। जाहिर है, क्योंकि उसे मरे हुए कुछ देर हो गई होती है। तांसन की बॉडी में दोनों ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा करने के साथ अपने पैरों के निशान को साफ करते हुए तांसन वापस अपने गाँव में आ जाता है। उस समय ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज तांसन को किसी खुशखबरी से कम नहीं लगी होती है।
तांगजन की पावर जुआन टियानगोंग को एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है। इस दुनिया में आने के बाद जुआन टियानगोंग एक प्रकार से डिवोरिंग मैजिक बन गया है। हालांकि तांगजन इसके बाद अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस को बारीकी से देखेगा। यह पावर तांगजन की बॉडी में अच्छे से डिसॉल्व होने के लिए पूरे 7 दिन का समय लेती है। इस स्ट्रेंथ के बाद तांगजन किसी भी 3 टियर के वुल्फ से निपट सकता है। इसके बाद फिर से रात होने पर तांगजन जंगल में आ जाता है, जुआन टियानगोंग को एक्टिव करता है, येलो लाइट फ्लैश होती है, स्पीड भी बढ़ जाती है और बिजली की तरह 10 मीटर तक दौड़ता है। लेकिन अभी इसके कारण उसकी बॉडी में भी कुछ दर्द होता है, लेकिन तांगजन रुकता नहीं है। तुरंत ही ब्लू लाइट फ्लैश होती है, दोनों हाथों को लहराते हुए 3 इंच या इससे अधिक के 2 विंड ब्लेड उड़ जाते हैं और सियान विंड ब्लेड 5 मीटर से ज़्यादा उड़ने के बाद हवा में ही गायब हो जाते हैं। यह पावर तांगजन को लास्ट वुल्फ की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मिली होती है। इस समय तांगजन के पास 2 पावर होती हैं, लेपर्ड फ्लैश और विंड ब्लेड। यह कुछ ऐसा था जिसकी तांगजन ने कभी उम्मीद भी नहीं की होती है। हालांकि तांगजन ने फील किया ये भले ही 2 स्किल मिल गए हैं, लेकिन आगे इनकी प्रैक्टिस कितनी भी क्यों ना कर लो, ये अपग्रेड होने वाले नहीं है। इसके बाद तांगजन आने वाले समय में और पावरफुल स्किल के लिए सोचता है और इनके एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोफाउंड हेवन स्किल की कल्टीवेशन में भी काफ़ी फर्क पड़ाव होता है। इसी तरह से एक एक करते हुए दिन बीत जाते हैं। अब तक तांगजन 8 साल का हो जाता है, जो कि शायद वुल्फ डीमोन की पावर के कारण तांगजन अन्य बच्चों की तुलना में अधिक लंबा होता है और साथ ही तांगजन की उम्र उनसे 2 साल अधिक दिखाई दे रही होती है। हालांकि तांगजन को इस बात का दुख होता है, 2 साल बीत जाते हैं लेकिन प्रोफाउंड हेवन स्किल का 4th लेवल ब्रेक थ्रो नहीं किया है, जबकि तांगजन ने अब तक उन 2 स्किल में महारत हासिल कर ली होती है और तांगजन जानता था कुछ जोखिम उठाने ही होंगे। तांगजन को आज पेड़ों को ढोने का काम मिला है और इन्हें कोई और काट रहा होता है। अब तक तांगजन कई बार फेंगलांग टाउन जा चुका है, लेकिन वह कभी विंड वुल्फ टाउन के बाहर नहीं गया है। यहाँ पर विंड वुल्फ भी होते हैं, साथ ही इनका विंड वुल्फ लॉर्ड सिटी के सेंटर में रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है तांगजन बॉटल नेक में फंस जाता है और तांगजन सब कुछ सोच विचार कर इसे ब्रेक करने का प्लान बनाता है। तांगजन सामान्य बच्चों की तरह गाड़ी में धक्का देने लगता है, तभी दीवार पर एक व्यक्ति नोटिस लगाता है जिसे तांगजन अपनी पर्पल डीमोन आई से देखता है। उस नोटिस में आने वाले 3 दिनों में ब्लड लाइन की स्क्रीनिंग की जाएगी की जानकारी होती है और जिस भी स्लैब में विंड वुल्फ का ब्लड है वे इस ट्रायल में आ सकते हैं। नोटिस लगाने वाला व्यक्ति गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता है, जिससे तांगजन के लिए यह एक अच्छा चांस होता है। और इसी के साथ तांगजन रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचता है। सभी एक साथ आ जाते हैं, तांगजन भी फील्ड में खड़ा था। साथ ही तांगजन को अपनी माँ के लिए भी दुख होता है और तांगजन साउबू को ढूंढने के साथ साथ इंसानों को भी पावरफुल बनाने के बारे में सोचता है। बाद में सभी उस जगह में एक साथ हो जाते हैं। एक वुल्फ जोर से हाउल करता है जिससे एक यंग मैन तांगजन के सामने कांपते हुए गिर जाता है। कुछ ही समय में उसकी बॉडी एक वुल्फ का शेप लेने लगती है। इसी के साथ एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ होता है और जब वुल्फ 3री बार हाउल करता है तो तांगजन बिना इंतजार किए सामने आ जाता है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। चारों ओर हलचल मच जाती है, पहला व्यक्ति तो बेहोश ही हो जाता है। वहीं उस लड़की की बॉडी में भी कुछ चेंजेस हुए होते हैं, जबकि तांगजन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। एक वुल्फ उन दोनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, फिर तांगजन को 2 लात मारता है और तीनों को सिलेक्ट करते हुए तांगजन से कहता है, तुम्हें हमारे नोवल विलेड की इम्पोर्टेंसी को समझना होगा और उम्मीद है कल तुम सही रिस्पॉन्स दोगे, नहीं तो तुम्हें हमारा खाना बनाना पड़ेगा। और पकड़ते हुए गाड़ी में खींच लिया जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 13 लोग लगभग सभी एक ही उम्र के होते हैं। कल उनकी ब्लड लाइन को अबैक करने के लिए सही ट्रायल किया जाएगा, जिनमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ वह रात होने पर ही मारे जाते हैं। रात हो जाती है, तांगजन अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ ही रहा होता है जब ही वह लड़की भी आ जाती है और तांगजन से कुछ कहती है। ये लोग स्लेव होने के कारण कुछ बोल भी सही तरीके से नहीं पाते हैं, जिससे उस लड़की ने फुसफुसाते हुए तांगजन से कहा होता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो, यदि नहीं तो वह तुम्हें मार देंगे। तांगजन को पहली बार इस दुनिया में कोई दोस्त मिला,
जिसका तांसन ने वेलकम किया होता है। साथ ही वह लड़की तांसन को भागने के लिए कहती है। इस पर तांसन खुद का नाम बताते हुए उससे भी उसका नाम पूछता है, तो वह लड़की अपना नाम लिंग मुक्शु बताती है। इस घर में यह लोग दो दिन तक रहे, उसके बाद सभी एक साथ मिलकर कुछ दूर पर एक स्क्वायर पर आ जाते हैं। साथ ही उनका रिचुअल भी शुरू हो जाता है। मुक्शु कांपते हुए सामने आ जाती है। तांसन को उसे देखते ही लगता है उसके पास भी उसके पिछले जन्म की कुछ यादें होगी। तांसन और बाकियों को विंड वुल्फ टाउन स्क्वायर के किनारे ले जाया गया। एक बड़े पेड़ के किनारे ओल्ड वुल्फ डीमोन हाथ में एक बैंत को पकड़े हुए कुर्सी पर बैठी हुई होती है, जो इनकी हाईएस्ट प्रीस्ट होती है, जिसके सामने कुछ वुल्फ झुक जाते हैं और जिनकी भी ब्लड लाइन को अवेक किया जाना है उन्हें लाया गया है, यह बताते हैं। तभी एक पावरफुल मस्कुलर वुल्फ जिसमें एनर्जी का काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, वह लॉर्ड विंड वुल्फ होता है। यह भी उसके सम्मान में झुक जाता है और कहता है सेक्रीफाइस के लिए रेडी है, जो कि ब्लड लाइन चेक होने के बाद तुरंत ही शुरू होगा, और सभी से कहता है मैं तुम्हारी ब्लड लाइन चेक करूंगा, जिससे डरने की या दबाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ एक दूसरे वुल्फ ने अगले ही पल में अपनी बाहें खोली और आसमान की ओर देखते हुए जोर से कहता है ग्रेट विंड, अपने लोगों का ख्याल रखें और विंड की ट्रू मीनिंग को समझने दें। ब्लू लाइट के साथ उसकी बॉडी बदलने लगती है। वह फोर्थ या फाइव टीयर का वुल्फ होता है। हवा भी आसपास कंडेंस होने लगती है, सभी स्लैब को ढक लेती है। विंड वुल्फ लॉर्ड ने हाईएस्ट प्रीस्ट की ओर देखते हुए कहता है वांग यांग फेंग, इस व्यक्ति के विंड एलिमेंट में काफी सुधार हुआ है। इस पर हाईएस्ट प्रीस्ट कहती है उसके पास आपके स्लैब का ब्लड है और फोर्थ टीयर के बराबर है, लेकिन तुम्हें कुछ और पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ 30 और लोगों की बॉडी से ब्लू लाइट दिखाई दे रही होती है। यह देखते हुए तांसन को भी समझ आ जाता है वह अपनी विंड ब्लड में किस तरह से सुधार कर सकता है। उसके बाद जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्स दिया वह मुक्शु होती है, फिर उसके बाद दूसरों ने। तभी विंड वुल्फ लॉर्ड कहता है बस इसे खत्म करो। इस पर बांग यांग फेंग नहीं चाहते हुए भी एक मिनट का समय मांगता है। तांसन भी समझ जाता है अब वह और अधिक इंतजार नहीं कर सकता है और अपनी आंखों को बंद करने के बाद खोलता है, तो तांसन की आंखों से भी ब्लू लाइट फ्लैश हो रही होती है और आसपास से विंड एलिमेंट कंडेंस होने लगता है। हाथ में एक विंड ब्लेड बन जाता है। अगले ही पल में कंट्रोल ना होते हुए हवा में उड़ जाता है। विंड ब्लेड को देख कर वांग यांग फेंग चौंक जाता है। वह हाईएस्ट प्रीस्ट भी तांसन को देखने लगती है। सिर्फ 5 लोग ही इसमें पास हुए होते हैं, बाकियों को तुरंत ही इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है और एक लंबे भाषण के बाद उनकी आंखों में भी कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, जो कि यह वांग यांग फेंग ने किया होता है। अब यदि हम इनकी पावर को कंपेयर करें तो 9 टीयर वाला वुल्फ ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के बराबर होता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।